व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। फेस्टिव सीजन इज़ हियर। हाउस पार्टीज़ हो या आप मूवीज़ देख रहे हो या आप मैचेस देख रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है पॉपकॉर्न। और आज मैं आपको 5 डिलिशियस वर्जन्स बताने वाला हूँ पॉपकॉर्न के। क्लासिक सॉल्टेड बटर पॉपकॉर्न, डिलिशियस चीज़ पॉपकॉर्न, एकदम परफेक्ट और क्रंची कैरेमल पॉपकॉर्न, स्मोकी तंदूरी पॉपकॉर्न और चटपटा पुदीना पॉपकॉर्न। ये 5 फ्लेवर्स बहुत आसान है बनाना इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोवेव के अंदर बिना वो एक्सपेंसिव रेडीमेड पॉपकॉर्न पैकेट यूज़ किए घर पर पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं फटाफट वो बताने वाला हूँ। साथ ही में जो 2 मुश्किल वाले वर्जन्स हैं, घर पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना, चीज़ और कैरमल पॉपकॉर्न, उसकी फ्रॉम स्क्रैच रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। चीज़ पॉपकॉर्न के लिए चीज़ पाउडर बेसिक चीज़ के साथ घर पर माइक्रोवेव ओवन में कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। और साथ ही में बिना कैरमल जलाए एकदम क्रंची क्रिस्पी वाला और डिलिशियस वाला कैरमल पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मेरे डैड को भी पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है और इस वीडियो के एंड में मैं ये पॉपकॉर्न उनको सर्व करने वाला हूँ और साथ में हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू क्विकली प्रेप अप दीज पॉपकॉर्न्स इन माय मॉर्फी रिचर्ड्स माइक्रोवेव ओवन। लेट्स डू दिस। क्लासिक बटर पॉपकॉर्न रेडी हो गया और आपने देखा होगा कितना आसान है। सिर्फ 7 मिनट लगते हैं माइक्रोवेव ओवन में बनने के लिए। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। हम कई बार वो एक्सपेंसिव वाले पैकेट्स खरीद के लाते हैं और फिर माइक्रोवेव में रख के बनाते हैं। उससे बहुत आसान तरीका है बनाने के लिए और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल जलते नहीं है पॉपकॉर्न और एक दाना जो है वो पॉप होके पॉपकॉर्न बन जाता है। और आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा बटर इसमें डाला है, वो बटर फ्लेवर के लिए। बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है इसलिए सॉल्ट एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी खाते हैं तो 1 पिंच सॉल्ट इसमें डाल देना मिक्स करते टाइम पे पहले ही, ताकि वो सॉल्ट भी जो है वो पॉपकॉर्न के ऊपर लग जाए। अब हमारा बेसिक पॉपकॉर्न बन गया है। अभी यही पॉपकॉर्न यूज़ करके मैं और 4 फ्लेवर्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ पॉपकॉर्न बनाना है, उसके लिए चीज़ पाउडर भी बनाना है। उसका प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा डिलिशियस वाला चीज़ पॉपकॉर्न रेडी हो गया है, जिसके लिए आज हमने चीज़ पाउडर जो होममेड वाला बनाया है। जो बाज़ार में चीज़ पॉपकॉर्न मिलता है, चीज़ पाउडर मिलता है, वो काफ़ी सारे फ्लेवरिंग एजेंट से बनाया जाता है, केमिकल्स होते हैं, वो एक्चुअल चीज़ से भी कई बार नहीं बना होता है। ये हमारा जो होममेड वाला वर्जन है, हमको पता है 100% चीज़ से बना हुआ है और आज हमने बेसिक चीज़ यूज़ किया है। और इसे पकाना और बनाना बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा जो ब्रेड क्रम्स वाली टिप दी है, यूजुअली लोग मैदा रखते हैं, कॉर्नफ्लावर रखते हैं नीचे। ब्रेड क्रम्स से क्या होता है कि चिपकता नहीं है चीज़, और वो ब्रेड क्रम्स भी आप यूज़ कर सकते हो पाउडर बनाते समय, उससे क्या है क्लम्प्स नहीं पड़ते हैं चीज़ पाउडर में। तो वो टिप का ज़रूर ध्यान देना। एकदम परफेक्ट चीज़ पाउडर बनता है, मैंने 10-15 दिन तक भी रख के देखा हुआ है फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में, और ख़राब बिल्कुल नहीं होता है और लम्ब्स भी नहीं पड़ते। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए। सिर्फ पॉपकॉर्न के ऊपर ही नहीं, आप नाचोस के ऊपर, फ्राइज़ के ऊपर, मखानों के ऊपर डालकर ये चीज़ पाउडर खा सकते हो, बहुत डिलिशियस लगता है। तो इसी तरीके से बनाओ। अभी नेक्स्ट एकदम परफेक्ट वाला कैरेमल पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा क्रंची वाला एकदम परफेक्ट वाला कैरेमल पॉपकॉर्न रेडी हो गया है। कैरेमल पॉपकॉर्न बनाते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो जब भी आप शक्कर डालोगे अपने पैन के अंदर, आपको उसे स्टर नहीं करना है। पहले शक्कर को मेल्ट होने दीजिए, थोड़ी कलर पकड़ लेगी, उस टाइम पर बस एक ही बार स्टर करना है। कंटिन्यूसली आप अगर स्टर करेंगे तो जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं कैरेमल के अंदर। एक बार कैरेमल पूरी बन गई, कलर पकड़ लिया कैरेमल ने, वो टाइम पे आपको बटर डालना है उसके अंदर। बटर डाल के अच्छे से उसे मिक्स कीजिए। एक बार बटर जो है इनकॉर्पोरेट हो गया कैरेमल के अंदर, वो स्टेज पे आप इमीडिएटली उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालते ही ये थोड़ा फ्लफअप हो जाएगा कैरेमल। इमीडिएटली गैस बंद कर दीजिए, पॉपकॉर्न ऐड कर दीजिए और मिक्स कर लीजिए। और बिल्कुल भी आपको ये टाइम पे उसे पकाना नहीं है। कैरेमल को ज़्यादा आप पका देंगे तो बिटर हो जाएगी और पॉपकॉर्न में बिटर टेस्ट आ जाएगा। बस ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी पूरा जो प्रोसेस है एकदम सिंपल है। कैरेमल पॉपकॉर्न एकदम परफेक्ट बनता है, क्रंची बनता है और बहुत ही डिलिशियस लगता है। अभी नेक्स्ट हमें तंदूरी पॉपकॉर्न बनाना है, वो बना लेते हैं। हमारा स्मोकी फ्लेवर वाला तंदूरी पॉपकॉर्न रेडी हो गया है। बहुत आसान है बनाना। तंदूरी स्पाइस मिक्स फ्रॉम स्क्रैच बनाया है, वो कई सारी रेसिपीज़ में एज तंदूरी मसाला आप यूज़ कर सकते हो। और जो स्मोक करने वाला स्टेप है उससे बहुत ही अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है पॉपकॉर्न में। बेसिक आपको चारकोल यूज़ करना है, जैसे मैं अपनी कई दूसरी रेसिपीज़ में यूज़ करता हूँ। और जब भी आपके गेस्ट आएंगे घर पे उसी टाइम कीजिए उनके सामने, बहुत ग्लैमरस लगता है और बहुत ही अच्छा सर्विंग टेक्निक लगती है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरीके से बनाइए। अभी नेक्स्ट हमारा लास्ट फ्लेवर बचा है पॉपकॉर्न बनाने का, जो है चटपटा पुदीना पॉपकॉर्न मिंट फ्लेवर वाला, जिसके लिए मैं पुदीने का या मिंट का जो है पाउडर घर पर ही बनाने वाला हूँ माइक्रोवेव ओवन में। वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। हमारा चटपटा पुदीना वाला फ्लेवर भी रेडी हो गया है। और अगर आपको वो चटपटा इंडियन टाइप फ्लेवर पसंद है फ्रेश वाला पुदीने का, तो आपको ये वाला पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो मिंट पाउडर बनाया है बहुत फटाफट बन जाता है और इससे मैं एक पुदीना पराठा भी बनाता हूँ जो बहुत डिलिशियस लगता है, तो वो भी आप बनाकर देख सकते हो। अब हमारे सारे पाँचों फ्लेवर रेडी हो गए, बहुत ही अमेजिंग बने। मेरे पर्सनल फेवरेट दो हैं इसमें से, चीज़ और कैरमल। मैं उन्हें मिक्स करके खाता हूँ जब भी थिएटर जाता हूँ। आपको कौन से फ्लेवर ज़्यादा पसंद है या फ्लेवर्स पसंद है, कॉम्बिनेशन मुझे कमेंट्स में बताओ। आई वुड लव टू नो। अभी मेरे सारे पॉपकॉर्न तो रेडी हो गए हैं और आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज मैं डैड के साथ शेयर करके खाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू हैव अ गुड टाइम विद हिम, सो लेट्स सर्व इट टू हिम और देखते हैं उनको कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। So I have my dad with me here right now and we have been having a really good time having all the popcorn I have made today. और डैड, मैंने आज सारे व्यूअर्स को स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आपका कौन सा सबसे फेवरेट पॉपकॉर्न फ्लेवर है। अब मेरे को तो पता है कि आपका ऑब्वियसली कौन सा फेवरेट फ्लेवर होगा, पर फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको पूछने वाला हूँ यहाँ पर सबके सामने। बेटा, ये फ्लेवर जो है सबसे बेस्ट फ्लेवर है मेरा, कैरेमल फ्लेवर। एक्चुअली डैड को मीठा खाना एकदम अलाउड ही नहीं है और उनको मीठा खाना बहुत पसंद है। और जब भी वो थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, स्पेशली इसके लिए ही जाते हैं कि उनको कैरेमल पॉपकॉर्न खाना मिले। पर डैड, मुझे तो पता ही था आपको यही पसंद आने वाला है, पर मैंने आज और दो एक्सपेरिमेंट्स किए। एक तंदूरी पॉपकॉर्न बनाया है और एक चटपटा पुदीना पॉपकॉर्न बनाया है। तो वो वाले फ्लेवर्स आपको कैसे लगे आज? बेटा, फ्लेवर्स तो अच्छे लगे सारे, बट तेरे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो मैं बचपन से तेरे देखता आया हूँ। तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाता था, आके रेसिपीज़ बनाता था, पॉपकॉर्न मुझे बना के खिलाता था। तो मुझे उस वक्त तो नहीं, जरा भी ख्वाबों में था कि तुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा सोशल मीडिया का और इतना बड़ा तो शेफ़ बनेगा जिसको पूरी दुनिया करोड़ों लोग उस रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे, देखेंगे और तेरा इतना नाम होगा। गॉड ब्लेस यू, और आगे तुम जाओ। डैड के लिए मैं जब भी खाना बनाता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, और डैड थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दे तो आई फील सो प्राउड अबाउट इट। और आज का ये पूरा टाइम जो उनके साथ मैंने स्पेंड किया है, एंड हैविंग दिस पॉपकॉर्न्स विद हिम, पुरानी यादों के बारे में बात करना, वो सब चीज़ें, एवरीथिंग बिकम सो फ्रेश इन माई माइंड। और आपकी भी आई एम श्योर काफ़ी सारी ऐसी मेमोरीज होंगी अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खाने से रिलेटेड। वो मुझे कॉमेंट्स में बताओ, आई लव टू नो अबाउट दैट। And preparing these popcorns in my microwave oven today was a breeze. And my Morphy Richards microwave oven is a 2-in-1 hybrid combination of a microwave oven and an OTG, which goes up to 240 degrees Celsius. It cooks variety of foods like ghee, curd, paneer, Indian starters, main course, snacks, desserts, and whatnot. Enjoy prepping these popcorns at your home this festive season and have fun. जरूर ट्राई करो रेसिपी और मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसी लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this popcorn recipe at your home. This festive season, gift your loved ones something meaningful. Gift new beginnings. Gift a Morphy Richards. Cheers.